हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए एक और बड़ी न्यूज़ आई है, और वो न्यूज़ है भारतीय हॉकी से जुड़ी हुई, और या मैं इसे कहूँ कि भारतीय महिला हॉकी से जुड़ी हुई। देखिए, महिला हॉकी ने साउथ अफ्रीका की टीम को हरा दिया है और उसमें इतिहास रच दिया है भारत की बेटी वंदना कटारिया ने। उन्होंने हैट्रिक लगाई है यहाँ पर, और पहली महिला बन गई है जिसने ओलंपिक में हैट्रिक लगाई हो। देखिए, ये हैं वंदना कटारिया। उनकी इसी हैट्रिक की वजह से टीम जीत पाई और भारत ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को आसानी से हरा दिया। इसी के साथ वंदना ओलंपिक इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वंदना ने ऐतिहासिक उपलब्धि से अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि दी है। देखिए, मई 2021 में उनके पिताजी का देहांत हो गया था, बट ओलंपिक की तैयारी चलते वो उसमें नहीं शामिल हो पाई थी। 1984 में ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत के किसी पुरुष हॉकी खिलाड़ी ने, विनीत शर्मा ने हैट्रिक लगाई थी हॉकी में। 1984 में, यानी 37 साल हो गए तब से किसी ने कोई हैट्रिक नहीं लगाई है, ना पुरुष ने ना महिला ने, बट ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला जाके ओलंपिक में हैट्रिक लगा के आई है, और उनका नाम है वंदना कटारिया। देखिए, मैच की बात करें तो वंदना ने शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम ग्रुप ए में अपना आखिरी मुकाबला जीतने में सफल रही। देखिए, क्वार्टर फाइनल की उम्मीद को बरकरार रखा है यहाँ पर। अगर हार जाती तो कुछ नहीं होने वाला था, बाहर निकल जाते। अब जीत गए हैं, जब जो हमने अफ्रीका को एक बहुत कड़े मुकाबले में 4-3 से हराया है। देखिए, अब हमारी टीम जो है इस पॉइंट टेबल को अगर देखें तो चौथे नंबर पर आ गई है, बट अभी मैच हमारे और केवल रसिया के 5-5 हुए हैं, इन सब के 4-4 हैं। तो हम मेनली जो डिपेंड है, नंबर वन पे नीदरलैंड है, सेकंड पे जर्मनी, फिर ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया, और नंबर पाँच पे आयरलैंड। देखिए, सबसे ज़्यादा मैटर करेगा आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के मैच पे। अगर यहाँ पर ब्रिटेन जीत जाता है तो आयरलैंड बाहर हो जाएगी और भारत क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन अगर आयरलैंड ने ब्रिटेन को हरा दिया तो भारत की टीम बाहर हो सकती है। ये है लेकिन आज के खेल की सबसे बड़ी खबर कि भारत में हॉकी टीम में स्पेशली वंदना कटारिया ने हैट्रिक लगाई है, और ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली हॉकी में वो पहली महिला बन गई हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।